भी और होम मिनिस्टर साहब से भी ये करेंगे। उन्होंने कहा वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा हुआ है और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह आज उसी के करीब इसको हम इसी हफ्ते में, उन्होंने कहा है कि मैं ये बात आगे चलाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि लोग भी अगर साथ देते रहें, इसका जो ये हमारी आइडेंटिटी खो चली गई है, लगता है कि अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी हासिल करके जम्मू से और बाकी जगहों से कैसे अपनी पार्टी के लिए ना जा रहे हैं जाज साहब और बाकी लोग, लेकिन चलिए छोड़िए, सुनिए ये तो बातें हैं। अब वो जो नई जमात कोई बनाता है उसको कहना ही होता है, अब उस पर तो हम बात नहीं आज करना चाहते। जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने आज एलजी साहब से की वो था जो ये बच्चे हमारे जिनके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं या कैंसिल हुए, उसमें भी उन्होंने वादा किया कि 2 महीने में एग्जाम्स होंगे और पहले उन्हीं का होगा जो कैंसिल हो गया, ताकि उन बच्चों के साथ ज्यादा और ज्यादती ना हो जाए। उन्होंने एश्योर ये भी किया कि ट्रांसपेरेंटली होगा, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि जिससे ये कुछ है। तीसरा हमने यूथ के बारे में कहा, जो बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उन्होंने कहा केस टू केस हम ये देखेंगे, हम नहीं एट रैंडम कह सकते हैं। हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कहा, उन्होंने कहा हमारे निगाह में लाइए जो भी है, हमने कहा किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई रहा है, कहीं बाप रहा है, फिर 10 साल बाद उसने शादी की, बच्चा पैदा हुआ। ओवरऑल मैंने देखा कि एलजी साहब बड़े पॉजिटिव थे, बड़े पॉजिटिव मूड में उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों की मसाइल है और जहां जहां आपको लगेगा जो जो मसला लगेगा उस पर केस टू केस हम टाइम फ्रेम से हल करेंगे।